हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ गुड वाइब्स शीट मास्क का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े भी हेल्पफुल लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, ये है गुड वाइब्स पोमोग्रेनेट स्किन डैमेज कंट्रोल शीट मास्क है। क्वांटिटी आपको इसमें 20 ml की मिल जाएगी। पिंक कलर की पैकेजिंग में आती है। पैकेजिंग इसकी काफी ज्यादा अच्छी है। सभी चीजें इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, आपने इसे कैसे यूज करना है और क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट मौजूद है। इंग्रेडिएंट की लिस्ट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, ये आप देख सकते हो। तो इसे आप अच्छे से रीड कर लीजिए। एक बार आप इसे अगर इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिए। तो चलिए मैं इस शीट मास्क को अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो शीट मास्क हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। स्किन में एक अच्छा ग्लो लाने के लिए, स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए भी हम शीट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। शीट मास्क को आप अगर डेली यूज करते हैं तो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स को ये रिमूव करने में हेल्प करता है। आपके धीरे धीरे फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है वो हल्के होने लगते हैं। तो ऐसे में ये शीट मास्क काफी ज्यादा हेल्पफुल है और इसमें आपको और भी बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी अलग अलग फ्लेवर चूज कर सकते हो, तो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको आपका फेस डल लग रहा है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं लग रही है और स्किन हाइड्रेट नहीं लग रही है, स्किन डल लग रही है, तो ऐसे में आप शीट मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है शीट मास्क। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर कुछ शीट मास्क के रिव्यू शेयर किए हुए हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे नाम से आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ शीट मास्क को कैसे हमें इस्तेमाल करना है। शीट मास्क को जब भी आप इस्तेमाल करें, अपने फेस पर लगाते हैं, तो आपके फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगा होना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए। स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए। अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही शीट मास्क को अप्लाई कीजिए। और इन शीट मास्क में दोस्तों इतना सारा सीरम होता है कि आप बाद में भी इसे यूज कर सकते हो। और ये वैसे तो वन टाइम यूज होती है, जो इसकी मास्क होती है वो वन टाइम यूज होती है। तो लेकिन इसके अंदर जो सीरम होता है उसे आप फ्रिज में रख सकते हो और उसके बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। और इस वक्त मैंने भी अपने फेस पर कोई भी मेकअप नहीं लगाया हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से डिप है। ये देखिए कितना भरा हुआ है इसमें सीरम एकदम से। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ और इसे ओपन कर लेती हूँ। खुशबू इसकी, ओ माय गॉड, बहुत अच्छी खुशबू है, एकदम रिफ्रेशिंग है। और ये सीरम से भरा हुआ है तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बहुत हैवी हो रहा है ये। तो चलिए मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ। तो आपने इस शीट मास्क को सिर्फ 15 से 20 मिनट लगाना है, या 10 से 15 मिनट भी लगा सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन 15 मिनट तक जरूर लगा कर रखेगा। और आप इसके बाद इसे रिमूव कर लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप इस शीट मास्क को लगाकर अपने घर के और भी काम कर सकते हो, लाइक किचन के कुछ काम कर सकते हो और भी कोई छोटे मोटे काम कर सकते हो, या वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो। तो मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इस शीट मास्क को लगाए हुए, अब मैं इसे हटा लेती हूँ। मुझे शीट मास्क जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है शीट मास्क को लगाना। और आप देख सकते हो ग्लो कितना अच्छा आया है। ये देखिए, ये फेस में एक बहुत अच्छा ग्लो भी देता है और भी बहुत सारे फ्लेवर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई कर देखिएगा। और अभी जो सीरम मेरे फेस पर लगा हुआ है, मैं इसे ऐसे ही लगा रहने दूंगी और हल्के हाथों से मसाज करूंगी, इसे वॉश नहीं करूंगी। आप चाहे तो वॉश भी कर सकते हो या फिर कॉटन की हेल्प से आप इसे रिमूव कर सकते हो। और मैं हमेशा मसाज करती हूँ। आंखों की त्वचा के आसपास भी इस सीरम को जरूर लगाइएगा इस तरीके से, क्योंकि अक्सर जब हमारी यहाँ की त्वचा ड्राई हो जाती है तो फाइन लाइंस और रिंकल्स होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इससे आपकी स्किन जो है हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी। और इसने मेरी स्किन को मॉइस्चराइज भी किया है और बहुत अच्छा ग्लो भी दिया है, ये आप देख सकते हो। एंड
एंड में जाते जाते आपको कुछ बताना चाहती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे चैनल पर 400 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पर स्किन केयर, हेयर केयर, DIY फेस पैक, DIY हेयर मास्क, हेयर पैक, एग हेयर मास्क, एग हेयर पैक वगैरह सभी चीजें आपको मिल जाएंगी, हेल्दी टिप्स मिल जाएंगे और बहुत सारे इंस्पायर्ड लुक मेकअप ट्यूटोरियल्स और फेस्टिवल से रिलेटेड मेकअप लुक भी मैंने बहुत सारे शेयर किए हुए हैं अपने चैनल पर, हेल्दी टिप्स शेयर किए हुए हैं, बहुत सारी चीजें शेयर की हुई हैं दोस्तों, और प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स कि आपने मेरी हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। उस वीडियो पर मेरे 4 लाख प्लस व्यूज आए हैं, जी हाँ 4 लाख प्लस व्यूज आए हैं उस वीडियो पर। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने उस वीडियो को इतना ज्यादा पसंद किया। और आगे भी अगर आप प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट करके मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूंगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं आपसे मिलती हूँ और भी हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।